साला रात के 12 बजे होई और बेट के साथ कुछ कर लगा रे साला से आप सुबह हो दे वो सबसे काम न चलतो सुबह हो दे सरपंच के अपन चैती बैठ गए आई हो सुने में अले है चिलम की बेटी झीलम आरू का बेटा गारू के साथ पकड़ा गए पता है कि ना हमरे तो पता ना हो तोरे कैसे पता चल गेलो ए पूरा गांव में हल्ला हुआ है तब तो रात में टीपा टीपावल खूब होले होगा ए भाग छिनरवा पापा हो अब तो रोज स्कूल में टिपिए कुंजी रे साला पापा हो मैडम जी का खाटा का तो मैडम जी रोज आवे के बढ़िया कोई टिप हो जाए के बढ़िया कोई टिप हो तो अंदर के टिप दिए है चुप साला पढ़ाई कर पढ़े जाके खाली टिपा टिपोल करे जहा रे भाई सुनने में वालो उआरू का बेटा गारू ना हो चिलम की बेटी झीलम के साथ रात में पकड़ा गेले पता हो कि ना ये तो हमरा पता न हम तो ही से मुके सुनने लगे पर इतना हमरा पता उसे को चक्कर बहुत दिन से चलता रहा बेलन भाई तुर कुछ मालूम होला हा? ना कोई बात ए उना हा? कौन हो ए चिलम की बेटी झीलम हाँ। आरू का बेटा गारू अच्छा ओ दुनू रात के घर में पकड़ा गेले अच्छा तो ई बात है रे बगरा पंचायती उंचायती हुआ लगा की ना पंचायती तो हेबे करता जब इतना बड़ा कांड हो गए तो सब आदमी आ गया है तो पंचायती शुरू किया जाए हाँ हाँ होको होको स्टार्ट होको रे साला ज्यादा बीच में बोल भी एक कप चाय पियाओ सीधे 11,000 रुपया टान ले वो बताइए तो इस साला सरपंच है एक कप चाय पियाएगा 11,000 रुपया टान लेगा कोई साला चाय नहीं पिएगा रे साला तुम चुपचाप सहेगा कि नहीं सहेगा तेल ताल के अंदर करवा है हाँ वो तो हम तो चुपचाप तो रहबे करेंगे फाफा तुम कुछ बोला है झाफा तुरे गाय में कर दबा खा फा तो दुनिया से दाफा सरपंच जी जल्दी शुरू कीजिए इस साला गाने में कभी खाफा हम लोग दाफा हाँ तो लड़की के पिताजी बताइए क्या सब कैसे और कब हुआ अरे सरपंच जी हम आपको क्या बताएं जब ये फोन पर बात कर रही थी तभी हमको शक हो गया था जब हम इसके पीछे पीछे ढुका लग के गए थे तो ये दोनों एक घर में घुस गई अच्छा बोलते रहिए हम सब सुन रहे हैं इसलिए हम गेट खोल तक आए लेकिन ये दोनों नहीं खोले तो हम गेट तोड़ दिए और ये दोनों को रंगे हाथे पकड़ लिए मेरा तो अब कोई इज्जत ही नहीं रहा इसका फैसला आप ही कीजिए सरपंच जी इसमें मेरा कोई गलती नहीं यही लड़का बुलाया था तुम गए थे तुम्हारा भी मर्जी रहा होगा तब ना तुम गए हो ये लड़का ये तुम बताओ ये सब शुरू कैसे हुआ सरपंच जी जब हम और हमारे दो दोस्त साइकिल से जा रहे थे ना निर्वा पोता मादर चोत साला गुंडा रंडा छिंडा हाय बैगन माता थू साला लड़की से मार खा गया हमरे मारे रखी ना तो मारते मारते सियान कर दी आँखों आँखों में प्यार हो गया फुकौआ कि आँखों आँखों में प्यार हो गया फुकौआ लड़की ने गार मारा लड़का हो गया हुआ भाग रे साला ई अनहुआ न हो ई तो पूरा मौगा है तो लड़की अलौ मार के चल गेलो परी साला मौगा कुछो ना बोल कर रे साला हमको उस लड़की से प्यार न हो गया है इसीलिए हम कुछ नहीं बोल रे साला प्यार कब हो गेलो रे चल घरे
next day. दिल तुम पर ऐसे निछावर किया जैसे कि आओ खेत में पानी, और प्यार इतना करेंगे कि याद आ जाएगी तुम्हारी नानी। ए हट छिन रे, हमरे कोचिंग का देर हुआ है, पूरा ना ए करे जा, कम से कम नंबरो तो लेके जा। ए भाग छिन रे। द नेक्स्ट डे सुना ए करे जा, हम तो इसे बहुत प्यार करिय ह, अगर तू आज हमार नंबर न लिय तो अभी हम झाट में फंसी लगा के मर जाए। ए इतना को तो झाटे हो तो वही में फंसी लगा के मर जाबे। देख तू इतना बता दे कि आज तू नंबर लेबे कि न लेबे, तू ही के चलते एजेंसी में से नया गाड़ी निकाल के ले लियो हो। सच मेरे पगला। हाँ तो ले नंबर। ए हम जा रहे हैं, हमें कोचिंग का देर हो रहा है। ए सुना ना करे जा, कोचिंग तक छोड़ दिया का? रे छिंदा इतना प्यार ना ना दिखा, अभी एक के दिन हो लो हो। घरे जाके फोन करियो। द नेक्स्ट डे का हो, सब ठीक ठाक? हाँ सब ठीक है। खाना उना खा ले लू? हाँ अपना बताइए, आप खाना खा लिए? हाँ हम भी खाना खा लिए। तब और सब बताइए, घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। ये रख दीजिए, हमारे पापा जी आ रहे हैं, हम कल फोन करेंगे, ठीक है? ओके बाय। द नेक्स्ट डे काहेला फोन कर दिए आप? आपको बोले थे ना कि मेरे पास फोन नहीं रहता है, कहीं मम्मी पापा उठा लिए रहते तो क्या होता? हमको बहुत जरूरी बात करना था आपसे। क्या बोलना है, जल्दी बोलिए ना। हमको आपसे मिलना है। नहीं नहीं हम नहीं आ सकते। प्लीज एक बार आ जाओ ना यार, प्लीज। अच्छा इतना बोल रहे तो आ जाएंगे। वो जो नहीं है फटकी में एक घर जिसमें काम होता है, उसमें रात को आ जाना, ठीक है ना? ठीक है हम आ जाएंगे, पर अभी फोन रख दीजिए, नहीं तो कोई सुन लेगा। ठीक है फोन रख देते हैं। हम दोनों जैसे ही घर के अंदर गए, वैसे ही झीलम के पिता चीलम हम दोनों को पकड़ लिए हैं। अच्छा तो ये सब घटना घट गया है? जी सरपंच जी। तो लड़की के भरुआ लड़की के पिताजी जी, आप बताइए आपका क्या कहना है? सरपंच जी जब इतना बड़का घटना घट गया है और लड़का लड़की दोनों राजी है तो दोनों का शादी करवा दीजिए। अच्छा रुकिए रुकिए, तो आरू के पिताजी गारू आप बताइए आपका क्या कहना है, शादी के लिए राजी है? नहीं नहीं शादी कैसे हो जाएगा, लड़का राजी रहेगा तब। ए तो लड़का कैसे नहीं राजी होगा, रंगे हाथी पकड़ाया है। ए लड़का तुम बोलो रे, शादी करेगा कि नहीं? ए हम शादी नहीं करेंगे। ए साला तू शादी कैसे नहीं करबी, रात के तू टाइम बिता के आया है? ए तो कुछ कर लिए है क्या? ए साला जुदी ने बुला के ले गया।
तेरा तो कोई तलखापुर वाला इज्जत नहीं करता है। कैसे कोई इज्जत करेगा, घुस देखना जीते हुए हैं आप। एक काम करो ना, तुम लोग झगड़ा करके सुलझाना है तो सुलझा लो, हमारे दूरा पे तुम लोग बार उखाने के लिए आए। दोनों तरफ का तो बात हम सुन लिए, अब तुम लोग हमारा फैसला सुनो। जी सरपंच जी, अपना फैसला सुनाइए। अगर लड़की का पिता लड़की को छूट नहीं दिए रहते और लड़का को पिता लड़का को छूट नहीं दिए रहते तो ऐसा कांड कभी होता ही नहीं। तो हमारा फैसला यही है कि लड़की अपने पिता को चप्पल मारेगी और लड़का अपने पिता को चप्पल मारेगा, तभी इन दोनों का शादी होगा। साला यहाँ का सरपंच दुगला है, गलती किया है लड़का लड़की, साजा मिल रहा है गर्जियन को। नहीं नहीं सरपंच जी, सही बोल रहे हैं आप। ए लड़की, मारो अपने पिता का चप्पल। ए लड़का, आप तू मारो अपने पिता को। ए नहीं मारेंगे हम। ए काहे नहीं मारेगा, शादी करना है कि नहीं इस लड़की से? हम शादी नहीं करेंगे इस लड़की से। अगर तुमको इस लड़की से शादी नहीं करना है तो अपने पिता को चप्पल से मारना होगा। अगर तुम मार दिया तो ये शादी नहीं होगा। मार दे चप्पल, मार दे चप्पल, शादी ना हो तो। मार दे भाई चप्पल, मार दे यार चप्पल। ये लड़की शादी करने के लिए अपने पिता को मार दी है और ये लड़का शादी नहीं करने के लिए अपने पिता को मार दिया है। प्यार के चक्कर में दोनों अपने अपने पिता को मार दी है और मार दिया है। हम तो पहले ये बोले ये पंचायती गलत हो रहा है, गलती किया है लड़का लड़की तो उसको ना सजा मिलना चाहिए। हाँ बात सही है सरपंच जी, लड़का लड़की दोनों को सजा दीजिए। मेरा फैसला है लड़का लड़की दोनों अपना अपना चप्पल चाटो। चाटना साला चप्पल चाट। सब लोग सुनिए, लड़की शादी के लिए राजी है और लड़का शादी के लिए राजी नहीं है, इसलिए पंचायती को यहीं पर समाप्त कर दो। जा यही है फैसला। साला तुम बहुत देर से लबर लबर बोल रहा है, लड़का लड़की राजी होगा तब ना शादी होगा। लड़का सही बोल रहा था, यहाँ का सरपंच दोगला है। हमको तो फैसला मिला नहीं, हम अपने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।